गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ द क्लास ऑफ साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 7. स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3, दैट इज़ नेचुरल फाइबर. और इसमें हमने देखा था प्रोसेसिंग ऑफ फ्लेश इनटू वुलन फैब्रिक्स. ओके, सो हम यहाँ पर देख रहे थे, हमने सारी प्रोसेस देखी थी, रेयरिंग एंड शेयरिंग, स्कारिंग, कार्डलिंग. ओके, ये सारी प्रोसेसेस हमने देख ली थी और हमें देखना था यार्न मेकिंग से. ठीक है, डाइंग भी हो गया था यार्न मेकिंग. देयर आर टू सिस्टम फॉलोइंग इन प्रिपेयरिंग वुलन यार्न, यानी कि जो वुलन का जो यार्न होता है ना, वूल यार्न, यानी यार्न कई तरह के होते हैं, सिंथेटिक यार्न, कॉटन यार्न. तो वुलन यार्न को बनाने के लिए दो सिस्टम होते हैं. ठीक है, पहला है वुलन सिस्टम. तो इन दिस सिस्टम वुलन फाइबर्स ऑफ मिक्स्ड लेंथ आर कार्डेड एंड देम स्पम टू फॉर्म वुलन यार्न. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो वुलन फाइबर्स होते हैं अलग अलग लेंथ्स के, उनको सबको मिक्स किया जाता है, कार्डेड, ठीक है ना, एंड देन स्पम टू फॉर्म वुलन यार्न. तो उनको एक साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद उनका एक लंबा सा वुलन यार्न बनाया जाता है. द फैब्रिक मेड फ्रॉम सच यार्न डोंट हैव स्मूथ फिनिश, बिकॉज ये छोटी छोटी लेंथ को जोड़ करके लंबा लंबा यार्न बनाया जाता है, बड़े बड़े लेंथ के, तो इसलिए ये क्या होता है, वो स्मूथ फिनिश उसमें नहीं होती. ठीक है, वरस्टेड सिस्टम. इन दिस सिस्टम इनिशियली द वुलन फाइबर्स आर कॉम्बेड विद सेपरेट द लॉन्ग फाइबर्स फ्रॉम द शॉर्ट फाइबर्स, है ना. तो उसमें से क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है, जो वुलन फाइबर्स आता है, कॉम्बेड विद सेपरेट द लॉन्ग फाइबर्स फ्रॉम द शॉर्ट फाइबर्स, है ना. तो लॉन्ग फाइबर जो लंबे होते हैं और छोटे 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 फाइबर्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है. द लॉन्ग फाइबर्स आर देन फॉर्म्ड इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रैंड विच आर द स्पम टू फॉर्म वुलन यार्न. तो जो उसमें से लंबे वाले आपने सेपरेट किए होते हैं, उनको एक साथ करके उनको स्पन किया जाता है, यानी कि उनको बनाया जाता है वुलन यार्न में. यूज्ड फॉर निटिंग वुलन गारमेंट्स, तो उससे क्या होता है, वुलन गारमेंट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, द शॉर्ट फाइबर्स आर स्पन और फॉर्म स्मूथ फाइन वुलन यार्न फॉर सॉफ्ट वुलन फैब्रिक्स. तो जो लंबे वाले ज़्यादा लेंथ के होते हैं, उनको स्पन करके उसको वुलन क्लॉथ्स गारमेंट्स बनाने में यूज़ होता है, और जो शॉर्ट वाले फाइबर्स होते हैं उनसे जो होता है स्मूथ यार्न बनाया जाता है, जो कि सॉफ्ट वुलन फैब्रिक्स उससे बनता है. ठीक है, इन केस ऑफ वुलन सिस्टम द फैब्रिक्स ऑप्टेन इज कॉल्ड ट्विड. जो फर्स्ट वाला सिस्टम है, जो वुलन सिस्टम है, उससे जो वुन यार्न मिलता है उसे क्या कहते हैं, ट्विड कहते हैं. इट इज़ बल्की फैब्रिक इन विच, वो बहुत बल्कि यानी कि बहुत हैवी होता है, फैब्रिक इन विच शॉर्ट एंड वुबन फाइबर्स आर अरेंज रैंडमली, है ना. जिसमें जो छोटे छोटे वुलन होते हैं वो रैंडमली, मतलब इधर उधर अरेंज रहते हैं. इट डज़ नॉट हैव स्मूथ सर्फेस, उनकी जो सर्फेस होती है वो स्मूथ नहीं होती. लेकिन जो सेकेंड वाला क्रेस्ट है, यानी कि वर्स्टेड सिस्टम होता है, उसमें उससे जो फैब्रिक हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, वर्स्टेड. ठीक है, गंबरडाइन, क्रेप, फ्लैनल, शेर्ज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्स्टेड फैब्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वुलन. तो वुलन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. वूल फेल्ट इज़ यूज टू कवर पियानो हैमर. जो वूल फेल्ट होता है उससे हम पियानो हैमर बनाते हैं, कवर पियानो हैमर. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एब्जॉर्व नॉइस इन हैवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर. ये क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी होती है जहाँ उनसे नॉइस आती है ज़्यादा, और जो स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं उसके नॉइस को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है. ठीक है, वुल यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, उससे फैब्रिक्स बनाया जाता है, शॉल, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, फेल्ट यानी कि कंप्रेस्ड वूल एंड अनहोलिस्ट्री. ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. शॉडी इज़ मेड फ्रॉम द यूज्ड वुलन. शॉडी जो होता है वो किससे बनता है, यूज्ड वुलन से, जो यानी जो वुलन यूज़ किया जा चुका है. टू मेक शॉडी द एग्जिस्टिंग वुलन फैब्रिक्स इज कट इन टू स्मॉल पीसेस एंड देन कार्डेड. तो छोटे छोटे पीसेस में उनको काटा जाता है और उसके बाद जो है उनकी कार्डनिंग होती है. ठीक है, द कार्डेड वूल इज देम रेस्पम इन टू यार्न. फिर उस कार्डलिंग करने के बाद उस व्यूल से क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है. ठीक है, ये देखिए वुलन फ्लीस है यहाँ पर, यानी कि जो शीप के बाल है, यानी कि जो ऊन है वो है. फिर स्पिनिंग इन टू यार्न होता है, वीविंग हुआ,
क्लॉथ्स बने, डाई कर दिया गया, ठीक है। यार्न से क्या होता है, डाई यार्न हो गया, फिर आपने क्या किया, वीविंग किया और क्लॉथ बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिल्क। व्हाट इज़ सिल्क? आप सभी जानते होंगे कि जो सिल्क होता है बहुत ही शाइनी और बहुत ही लस्चरस और बहुत ही खूबसूरत है फाइबर होता है, ठीक है ना। सिल्क इज़ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है दैट्स कम्स फ्रॉम एन एनिमल, जो एक एनिमल से हमें मिलता है ना। सिल्क जो होता है वो हमें एक एनिमल से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो इट इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ द फाइबर। इसे क्वीन ऑफ द फाइबर कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सारे फाइबर्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट, सिल्की, लस्चरस होता है, ठीक है। सिल्क फाइबर इज़ प्रपोज्ड एज अ कोकून कवरिंग बाय सिल्क वॉर्म लार्वा। एक एनिमल होता है जिसे कहते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। उसके लार्वा में जो कवरिंग होती है कोकून की, उससे प्रोड्यूस होता है। टेक्निकली सिल्क वॉर्म इज़ एक्चुअली अ कैटरपिलर। जो सिल्क वॉर्म होता है वो एक कैटरपिलर होता है रैदर देन अ वॉर्म। वो एक वॉर्म के वॉर्म नहीं होता, वो क्या होता है, एक कैटरपिलर होता है, ठीक है। इन नेचर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मेक देयर कोकून कवर्ड विद अ फाइबर। नेचर में बहुत सारे जो होते हैं वो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं जो कोकून से जो कवर्ड होते हैं, जिनमें फाइबर होता है, ठीक है। हाउएवर इन सिल्क इंडस्ट्री द फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ मलबेरी सिल्क मॉथ, ठीक है ना। जो मलबेरी ट्री होती है यानी जो शहतूत का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, वहाँ पर सिल्क मॉथ पाया जाता है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ बॉम्बेक्स मोरी। क्या है सिल्क का नाम? बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। एंड अ फ्यू अदर मॉथ्स क्लोजली अकिन इज़ टू यूज्ड, ठीक है। और भी सारे यूज़ किए जाते हैं, बस जो मेन होता है उसे क्या कहते हैं, सिल्क मॉथ, और उसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोरी। कहाँ पाया जाता है? मलबेरी के पेड़ पे, इसलिए इसका नाम मलबेरी सिल्क मॉथ हो गया, ठीक है। द सिल्क ऑफ अदर इंसेक्ट नोटेबली द स्पाइडर, स्पाइडर भी जो एक नेट बनाता है वो भी तो एक फाइबर हुआ। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। स्पाइडर सिल्क इज़ पार्शली यूज्ड फॉर द क्रॉस हेयर ऑफ अ टेलीस्कोप। उसका जो फाइबर होता है वो क्रॉस हेयर यानी टेलीस्कोप में जो क्रॉस हेयर होता है उसको बनाने के लिए एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क यानी जो रॉ सिल्क होता है बाई रेजिंग सिल्क वर्म इज़ नोन एज सेरी कल्चर। यानी कि जो सेरी कल्चर, उसे वो प्रोसेस है जिसमें हम सिल्क को रॉ सिल्क को मिल रेस करते हैं, कहाँ से? सिल्क वर्म से। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डन करेंगे।